नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना खुशी राम मल्होत्रा घुमंत्रू आज फिर एक नई सुबह हम लोग निकले हैं। होटल स्टोटल एक जगह है अरावली की पहाड़ियों के अंदर। वहाँ आज सुबह नाश्ता बनाएंगे, खाएंगे और एंजॉय करेंगे और आप लोगों भी उसको दिखाएंगे। आज फिर हम सुबह निकले हैं अपनी गोरखा के साथ के अंदर, मैं, हमारी पत्नी और हमारी गोरखा। कल इसको शाम के टाइम में खूब इसको बढ़िया से धो के नहला के शैम्पू पॉलिश करा के और अब हम लोग निकले हैं एक नए सफ़र की तरफ। होटल शोटल आगे दिखाते हैं। ओके, चले जा रहे हैं एक नई सुहानी सुबह का मज़ा लेने के लिए। चलिए आप लोग भी हमारे साथ, आप, मैं और गोरखा चल रहे हैं द्वारका से और आपको सब कुछ दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। खुशी राम के साथ में खुशी के साथ खुश रहते हुए चलिए। ये हमारी मैडम जी हमारे साथ जा रही हैं, हमारी जीवन संगनी, हमारी साथी, मेरी दोस्त, मेरी फ्रेंड। चलते हैं आगे। अब हम गुड़गांव जब निकल रहे हैं तो बीच में महिपालपुर के पास में ही हम थोड़ा रुके हैं। अच्छा सा लोकेशन, अच्छा सा व्यू है, सोचे आपको भी दिखाएं। बहुत बढ़िया हरियाली, फ्लाईओवर महिपाल। अच्छा लगता है इसके साथ फोटो खिंचवाना। बीच बीच के अंदर जब भी कभी हम इसमें पॉइंट पर कुछ बनाते हैं तो कोई ना कोई सेल्फी खिंचवाने ज़रूर आ जाता है। लोग बाग पसंद करते हैं इस गाड़ी को, पर इस गाड़ी की वजह से लोग बाग हमें भी पसंद करने लगे हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। जा रहे हैं दोस्तों हम लोग गुड़गांव से। सुबह का टाइम है, संडे का दिन है, काफी साइकिलिस्ट और बाइकर्स भी रास्ते में मिल रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। ये देखिए साइकिलिस्ट जा रहे हैं, थोड़ा हम लेट हो गए हैं, 7:15 हो गए हैं। जिस जगह हम जाएंगे वहाँ भीड़ मिलेगी। ये देखिए दोस्त हमारे बिल्कुल आगे हमारे साथ में बाइकर्स ग्रुप, ये लोग भी वहीं जा रहे हैं। ये देखिए संडे के दिन हर आदमी एक एंजॉय करना चाहता है। ये देखिए बाइकर्स के साथ, अच्छी अच्छी बाइकों के साथ लोग बाग जा रहे हैं। आगे निकल रहा है कोई, पीछे चल रहा है, ये देखिए साइड में दिखाओ जी इनको, ये हर कोई बंदा एंजॉय के लिए जा रहा है। संडे का दिन है लेकिन हर आदमी लगभग सेफ्टी के साथ से जा रहा है। प्रॉपर सबने हेलमेट्स, कई उन्हें गार्ड्स, पूरी ड्रेसेस पहन के चल रहे हैं लोग बाग। चलते हैं आगे, चल रहे हैं हम लोग भी। ये देखिए दोस्तों मैं आपको एक अभी दिखाता हूँ, हर आदमी को अपनी गाड़ी से प्यार होता है। ये देखिए ट्रक जा रहा है, कैसे इसने चोटी इतना अच्छा इसको बना रखा है। हर आदमी को अपनी गाड़ी से प्यार होता है, कितने बढ़िया इसने गाड़ी को तैयार कर रखा है, एक एक चीज़ साफ सुथरी अच्छी गाड़ी बना रखी है इस भाई ने भी। ये नहीं चाहे वो ट्रक है या बाइक है या कुछ भी है, हर आदमी को अपनी गाड़ी का सम्मान करना चाहिए। बुरे वक्त में ये हमारी मदद करती हैं, ये चीज मैं आपको आधी क्लास की यात्रा में बोल चुका हूँ। दोस्तों हम लोग अभी वहां पहुंच गए हैं और बारिश की बूंदों ने हमारा स्वागत किया है। हल्की हल्की फुहार वाली बारिश हो रही है, बहुत ही ज्यादा आनंद, अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा एहसास। देखिए आगे हरियाली, और ये मेरे साथ जा रहे हैं मेरे बाइकर्स दोस्त,
ये देखिए, वाह, जीवन इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों। चले जा रहे हैं दोस्तों, ये देखिए आप गाड़ी की विंडशील्ड के ऊपर आपको बारिश की हल्की हल्की बूंदें नज़र आ रही होंगी। चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली है और हम लोग पहुंच गए हैं अरावलियों की पहाड़ी के अंदर। ये यहाँ पर एक हॉर्स राइडिंग क्लब भी है यहाँ पर, और ये कुछ लोग यहाँ से वापसी जा रहे हैं और काफ़ी आदमी आ भी रहे हैं। ये देखिए कितनी भीड़ होती है आज के दिन यहाँ पर। ये देखिए हम लोग भी जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये अरावली राइडिंग क्लब गुड़ग्राम, ये देखिए यहाँ घोड़ों की राइडिंग वगैरह भी कराते हैं। और ये सामने पीछे ये देखिए मेरे, आपको नजर आ रहा होगा पीछे, दिखा रहा हूँ आपको, ये जो पीछे की तरफ है वहां पर, ये देखिए अरावली हॉर्स राइडिंग क्लब। और हम लोग भी पहुंच रहे हैं अभी। ये पहुंच गए हैं देखिए जी, हम घुमावदार पहाड़ियों वाले रास्ते में। ये मेरे देखिए उल्टे हाथ पे और सीधे हाथ पे दिल्ली से चंद किलोमीटर की दूरी पे ही ये हसीन वादियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ जिनको बोला जाता है, संडे के दिन यहाँ पर या जिस दिन मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है वहाँ उस दिन भीड़ जरूर होती है। आज इतवार का दिन है तो हम लोग भी जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ के रास्ते आपको एक अलग सा एहसास कराएंगे। अभी आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे भीड़ बढ़ती जाएगी, कुछ लोग वापसी आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, हम लोग भी चल रहे हैं। आगे का देखिए क्या शानदार व्यू है, इसी को तो कहते हैं। वाह,
4 लोअर हाई में मैंने ट्राई किया है, थोड़ा सा एंगल रह जाता है। अब मैं इसके अंदर रियर डी फ्लॉप लगा के इसको चेक करता हूँ, हार्डली 2-1 मीटर रह जाता है, इतनी लिंक लाइन पे बहुत बढ़िया चल जाता है। एक तो इन्होंने जो कंपनी वालों ने जो उसके RPM है वो उन्होंने 3500 पे ही सेट कर रखे हुए हैं, बल्कि इसके RPM 5000 है। अब की बार जब सर्विस में जाएंगे तो उनसे हम बोलेंगे कि भाई इसके RPM बढ़ा दो, RPM बढ़ने से इस गाड़ी की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी इसके। एक बार फिर ट्राई करते हैं, अब की बार डी फ्लॉप के साथ, रियर डी फ्लॉप के साथ। सारे देख रहे हैं।